आज मैं आपके सामने बिग बॉस ओटीटी के बारे में बात करूंगा और इसमें एक आइडिया बता सकते हैं कि इंडिया की व्यूअरशिप मार्केट जो है वो किस तरफ अलाइंड है। इंडस्ट्री के अंदर टीवी 18 जो कंपनी है उसके चैनल के थ्रू आपको बिग बॉस देखा जा रहा है इस सीजन का, और इस सीजन के अंदर अराउंड 42 मिलियन व्यूअर्स अभी तक के बन चुके हैं बिग बॉस देखने वाले। तो आप ये सोचिए एड्रेसेबल मार्केट के अंदर कि इसका व्यूअरशिप कितना स्ट्रांग है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं नंबर थ्रो करूं तो ये अराउंड 4x की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स थे जैसे कि एल्विश यादव और पुनीत सुपरस्टार, इन दोनों ने मिलके बिग बॉस को एक नई ऊंचाइयों पर लेके चले गए, और इसकी वजह से इसके अंदर एक ऐसा मोमेंटम बना हुआ है कि जो कि आपकी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी ने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के सीजन को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है, मोनेटाइज किया है। इसमें अगर मैं पार्टीज का बेनिफिट देखूं तो दोनों को तो मिला ही मिला है कि उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इनकी ब्रांड वैल्यू के बढ़ने के बावजूद इनके जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी बिग बॉस को बहुत आगे अच्छी तरह से एग्रेसिवली मार्केटिंग करी है। ये एक ऐसी मार्केटिंग है जहां पे कंपनी ने अपना कोर मार्केटिंग स्पेंड करने के बाद उनके जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको जो फॉलो करते थे उनका जो फ्री मार्केटिंग मटेरियल जो उन्होंने पब्लिश किया है अपने चैनल्स के अंदर, अपने सोशल मीडिया पेजेस के अंदर, उससे बिग बॉस को काफी फायदा हुआ है। ये एक ऐसा वायरल कंटेंट है जो कि इस टाइम ट्विटर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आपको इतना पता चल गया कि इंडिया में जो चीज वायरल हो रही है उस पे आपको सही नजर से अगर कोई कंपनी आइडेंटिफाई हो जाए जो कि इस टाइम टीवी 18 का बिजनेस मॉडल है, और मुझे लगता है कि ऐसे वायरल कंटेंट बनाने वाली कंपनीज को एक मार्केटिंग के नाम पे बहुत अच्छा एक मल्टीपल मिल सकता है। मुझे ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि मैं इंडिया के मिलेनियन पॉपुलेशन जो कि यंग पॉपुलेशन है उनको फॉलो करता हूं, और उनको फॉलो करके कुछ ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करता हूं जो कि उस केस के अंदर एक बिजनेस बना रहे हैं। तो आज की डेट में अगर कोई बंदा बिग बॉस देख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जो कि टीवी 18 है, और उसके ग्रुप की एक कंपनी से ये आपको प्लेटफॉर्म बेसिस पे ओटीटी के अंदर बिग बॉस दिखाई दे रहा है। तो ये जरूरी है कि इंडिया के मिलेनियन पॉपुलेशन जो कि यंग पॉपुलेशन है वो अगर कहीं पे कोई कंजम्पशन कर रही है मीडिया का या किसी भी चीज का तो उसको फॉलो करें और उसको फर्दर स्टडी करके उसमें से कंपनीज आइडेंटिफाई करें। थैंक यू।